प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। आज का जो वजीफा है बहुत प्यारा, बहुत लाजवाब और बहुत मुझे खुशी है कि बहुत से बहन भाई जो है इस्तखारे के लिए या अपने मसाइल के लिए हमारे पास आए। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैंने आपको फेसबुक का जो मदरसे वालों का फेसबुक, ज़ाहिर है हमारा मदरसा है मदरसा फातिमतुल ज़हरा और आयशा सदीका, तो कभी मैं आयशा सदीका में होती हूँ कभी मैं फातिमतुल ज़हरा में होती हूँ, तो आपने, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी आपको सपोर्ट कर सकूँ, जल्द आपको जवाब दे सकूँ, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग हैं। कभी कमी पेशी हो जाती है तो अपनी बहन, पहले से ही आपकी बहन माजरत करती है, अपनी बहन को माफ़ कर दीजिएगा। नंबर दो, एक बात मैं आपको वाजिया बताना चाहती हूँ कि मदरसे में टाइम की बहुत किल्लत होती है। यकीन मानिए कि बहुत मुश्किल से आपके लिए टाइम निकाल रहे होते हैं, लेकिन सोचते हैं कि हमारे बहन भाई बहुत परेशान हैं तो उनकी जल्दी से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। और आप सोचें कि अगर हमारे लाखों सब्सक्राइबर हैं तो हमारे जो प्यारे बहन भाई हैं वो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में है, थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखा करें। और नंबर दो, आज जो मैं अमल आपको बताऊँगी काली मिर्चों का, गौर से सुनिएगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इससे पहले प्यारी सी अहादीस, रमज़ान आने वाला है, रमज़ान मुबारक के प्यारे प्यारे जो मैं आपको वजीफे भी बताऊंगी, अमल भी बताऊंगी और अहादीसें भी, मैंने अपना फ़र्ज अदा किया आप तक पहुँचाया, आगे आपका फ़र्ज है मेरी जो अहादीसों को, मेरे नबी के कलाम को, मेरे नबी की अहादीसों को सुनतों को आगे पहुँचाना। रोज़ा सिर्फ भूखा या प्यासा रहने का नाम नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी रोज़ा रखते हुए अपने किरदार गुफ्तगु में झूठ ना छोड़े या अपनी बात करने में झूठ ना छोड़े तो अल्लाह ताला को इसके भूखे प्यासे रहने की ज़रूरत नहीं। वो खाना खाए ना खाए उससे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि उसका रोज़ा ही नहीं। तो फिर फ़ायदा, अगर रोज़ा है तो फिर इस तरह के कामों से इज्तना करें, बल्कि पूरी ज़िंदगी में इस चीज़ को आप अपने जहन में रख लें कि आपने कोई बुरी बात नहीं करनी, बुरा काम नहीं करना। आज का प्यारा सा वजीफा काली मिर्चों के बारे में बहुत ज़्यादा फरमाइश की गई तो मैं आज आपको बताने लगी हूँ। 21 काली मिर्चें लें, जो मैं आपको अमल बता रही हूँ वो करें। मैं आपको वजीफे भी बता सकती हूँ, मैं पूरी कोशिश कर सकती हूँ कि आप इस तरह नहीं, वजीफा करें मैं कहती हूँ, लेकिन अमल को अमल की तरह। कपड़े सफ़ेद नहीं तो दुपट्टा ज़रूर सफ़ेद हो, भाई हैं तो कपड़े सफ़ेद, जाए नमाज अगर सफ़ेद है तो ठीक है, लेकिन कोई भी जाए नमाज लेकिन सफ़ेद मोतबर है। अगरबत्ती एक, मोमबत्ती एक, बड़ी सुई एक, 3 दिन का अमल, 1 दिन में अगर वाजिया आपको फ़र्क ना पड़े तो फिर कहिए, लेकिन तरीके से करें। रोशनी कम, वक्त तहज्जुद या फिर इशा या फिर मगरिब, दिन जुमा, जुमेरात की मतलब कि जब अजान मगरिब हो तो उसके बाद जो इशा आए तब अमल करें, या फिर तहज्जुद आए तब अमल, क्योंकि जुमे की आगे हफ्ता जो है अल्लाह ताला की तरफ से इस्लामी दिनों के हिसाब से ये है कि फिर हफ्ता का दिन स्टार्ट हो जाता है या हफ्ता शुरू हो जाता है। काली मिर्चों के ऊपर जो आपने पढ़ाई करनी है वो आप गौर से सुन लें। पढ़ाई सूरह कौसर 3 मरतबा, उसके बाद सूरह इखलास 3 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, और सिर्फ 11 मरतबा या वुदू का विर्द करना है सूरह कौसर और सूरह इखलास के दरमियान, या वुदू का विर्द करना है 33 मरतबा। अब गौर से दोबारा सुने, पहले दुरूद शरीफ, उसके बाद सूरह कौसर 3 मरतबा या वुदू 33 मरतबा, 11 मरतबा, 17 मरतबा या फिर 33 मरतबा, ठीक है, 7 से जितना भी ज़्यादा पढ़ेंगे बेहतर है। उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास, आखिर में दुरूद, उसके बाद नाम, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, ठीक है, बिन है, भाई है तो बिन, बेटी है तो बिनते, उसके बाद अलाखुक, जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी या फिर अपने किसी प्यारे को, किसी
अपने ऐसे अजीज को जो आपको छोड़ के चला गया है, कोई ऐसे बहन भाई को जो आपसे नाराज है, रूठ गया है, कोई माँ अपने बेटे के लिए, बहन अपने भाई के लिए, किसी भी प्यारे प्यारे रिश्तों के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। शरीयत का खास ख्याल रखें, हराम मकसद के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करें। नंबर दो, अगर रिश्तों का मसला है तो अपना टाइम जवाल का रखें, अमल जवाल में करें। अगर रिश्तों का मसला है, आपने पढ़ाई जो मैंने आपको बताई है वो आपने करनी। काली मिर्चें कितनी लेनी है? 7, 11, 21। अगर ज्यादा कोई मसला खराब है फिर 21 लें। अगर बहुत ज्यादा मतलब कि आप एक दिन में चाहते हैं तो फिर उसका इस्तेमाल 21 भी है, 11 भी है, 7 भी। अब आपने क्या करना है, जो सुई आपने ली है अगरबत्ती ऑन कर लें, पढ़ाई करते जाएं, पढ़ाई करने के बाद फूंक मार दें, जो काली मिर्चें हैं, सुई है, कैंडल जो मतलब कि आपने मोमबत्ती ली है, अगरबत्ती ली है, इन सब पे आपने फूंक मारते जाना है, पढ़ते जाएं, फूंक मारते जाएं। पढ़ने के बाद अगर बहुत ज्यादा आग लगानी है या कोई अपने बहुत ज्यादा किसी ने आपके साथ कोई बदतमीजी कर लिया या नाराज हो गया या रिश्तों का बंदिश है, अपनी पसंद की शादी शरीयत का लिहाज रख के करना चाहते हैं, तो फिर आप ये जरूर कीजिएगा। एक बात याद रखिएगा, आपने पहले 3 दम सारी करके रख लें, कैंडल ऑन करके मोमबत्ती जला के सुई में काली मिर्च को लगा के आप जलाएं, जैसे ही वो जलेगी आपका काम हो जाएगा। 3 जलाएं बस शुरू में, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ज्यादा मतलब कि ये तेजी पकड़नी चाहिए तो आप वो सारी भी जला सकते हैं, अगर 21 की 21 लिए तो वो भी जला सकते हैं, नहीं तो 3 टाइम करके जलाएं। ज्यादा किसी को तड़पाना, मुसखर करना, तकलीफ पहुंचाना ये अच्छी बात नहीं है, तो फिर आप 3 टाइम का कर लें या 3 दिन का एहतमाम कर लें। मैंने बहुत ज्यादा आपको अच्छे तरीके से अमल को समझाती हूँ ताकि कोई गलती की कोई गुंजाइश ना रहे, वजीफा भी समझाती हूँ, अमल भी समझाती हूँ। वजीफा करना तो सारा दिन या वुदूद पढ़ते रहें या फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते रहें, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना। अगर फिर भी कोई मसला कोई परेशानी है, अपनी इस बहन को याद कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद करेगी। जज़ाकअल्लाह खैरा।